परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज का ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे रोमियो 11:33 से। आह, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसा अदाक और उसके मार्ग कैसा अगम है। प्रभु के बुद्धि के किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसके बदले उसे दिया जाए। क्योंकि उसी का ओर से और उसी के द्वारा और उसके लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। हम सब सोचते हैं कि हम कोई बड़ी चीज़ है। इस पीढ़ी में अच्छी पढ़ाई, घर, धन, अच्छा स्वस्थ, महंगी चीज़ें और सब कुछ है। इस कारण मनुष्यों को लगता है उनको किसी भी बात भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लोगों के मन में घमंड से भर गया है। कई लोग परमेश्वर पर भी विश्वास नहीं करता है। लेकिन सब कुछ नाश करने एक वायरस काफ़ी है। अब हम यह देखे रहे कि एक जरा सा वायरस मनुष्यों की जीवन कैसा विनाश ला सकता है। इस वायरस के कारण लाखों लोग मर चुका है। इधर परमेश्वर के वचन कहता है कि सब कुछ पर उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसके लिए सब कुछ है। उसकी महिमा युगानुयुग होती रही है। हम प्रिय बहनों, हमारे पास ऐसी से क्या चीज़ है जो हमने दूसरों से या परमेश्वर से प्राप्त नहीं किया है। गर्भ से लेकर आज तक हमने सब कुछ दूसरों से प्राप्त किया है। हमारे जीवन प्रभु से आया है। जीवन का उद्धार भी प्रभु से ही मिला है। जब हम इस बात को पहुंचाएंगे, तब हमारे मन से घमंड हट जाएंगे। आभार और नम्रता होकर दिल को भर देंगे। इसे समझकर नम्रता के साथ जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारे मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।